हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका बायोलैब में। आप इस वीडियो की टाइटल देखकर सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, सोशल डिस्टेंस या सामाजिक दूरी मेंटेन मत करो। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, ताकि इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको हर टाइम मिल जाए। इन पैंडेमिक सिचुएशन में हम सबको एक सलाह दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, यानी कि सब लोग से कम 6 से 10 फीट तक दूरी बनाए रखिए, ताकि आप इस नोबल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहें। पर ये सोशल डिस्टेंसिंग का एक्चुअल मतलब मैक्सिमम लोगों को ठीक से नहीं पता है। अब सब लोग को एक एग्जांपल दे दूँ। पहले कुछ दिन पहले मैं एक ग्रॉसरी शॉप में गई थी, यहीं घर के 500 मीटर के अंदर। वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की, वहाँ सब लोग डिस्टेंस तो ठीक ठाक मेंटेन कर रहे थे, पर कोई किसी से बात करना तो दूर, कोई किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। इंसान तो एक सामाजिक जीव है, कैसा लगेगा या कैसा होगा अगर उस इंसानों को समाज से दूर अकेले में रहना हो। तो समाज से दूर रहकर हम लोग कोरोना वायरस इन्फेक्शन से सेफ रह सकते हैं, पर ये और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जन्म दे सकता है। रिसर्च में देखा जाए कि इंसानों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी डिपेंड करता है सामाजिक रहने में, सबसे अच्छा संपर्क बनाए रखने में। अभी हम सब लोग ये वक्त एक साथ गुजार रहे हैं, उसी लिए सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एक दूसरे का हाल चाल जान ले, अगर किसी को आपका ज़रूरत है या नहीं। इसीलिए हम लोग इंसान हैं और इसीलिए हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि इंसानियत को बचा के रखें। सामने से ना हो तो दूर से ही सही, हम सब लोग को कनेक्टेड रहना पड़ेगा। हम लोग को तो किस्मत अच्छा है कि हम लोग के पास अच्छा टेक्नोलॉजी है, सेलफोन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसके माध्यम से भी हम सब के साथ जुड़ी रह सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके साथ दूसरों का भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये दो वर्ड्स सोशल डिस्टेंसिंग अभी तक हम लोग में गलत सलाह के रूप में काम कर रहा था, इसीलिए 20 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उसमें बोला गया था कि अब से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हम लोग को जो मेंटेन करना है वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग। इसमें 6 फीट से शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी, पर सोशली सब कनेक्टेड रहेंगे। आप अगर देखना चाहे तो WHO के ऑफिशियल वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। इसके लिए रेगुलर पब्लिक प्लेस में ना जाएं, हफ्ते की 1 से 2 दिन जाएं, मिनिमम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, हर वक्त हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखें, हाथ साबुन से साफ रखें, खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह को कवर करें और प्रॉपर मास्क के इस्तेमाल करें। तो अब से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और दूसरों को भी बनाए रखने के लिए बोलें। आशा करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। फिर लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।